नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राज्य स्तरीय पंचायत स्वयं सेवक लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन जारी है और जैसा कि अभी झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रही है और आज अंतिम दिन है, ऐसे में पंचायत स्वयं सेवक लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी तादाद पर महिलाएं और पुरुष अलग अलग झारखंड के इलाके से आए हुए हैं और ऐसे में ये लगातार 5 दिनों से अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी तादाद पे लोग हैं, टेंट हैं और महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि ये जगह है, खुला आसमान है और साथ ही साथ यहाँ पे लोग, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो अपने साथ बच्चे भी उनके साथ है और साथ ही में ये लोग दिन में तो कर रहे हैं आंदोलन, साथ ही साथ ये लोग रात में भी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था इनकी रखी गई है। तो आइए हम जानते हैं, जैसा कि इनकी मांगों में से 5 सूत्री मांगों में से मानदेय देने हेतु और भी क्या क्या मांगे हैं, आइए हम जानते हैं लोगों से। आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? हमें सरकार से 5 सूत्री मांग है, जो 170 दिनों से धरना में बैठे हैं लेकिन सरकार हम लोग की बातें सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग कुछ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, नहीं सरकार ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग ये लगातार मतलब कितने दिनों से यहाँ पे धरना? 170 दिन से धरना पे है। तो आप लोग आगे भी ऐसे ही राजभवन के समक्ष मतलब धरना देंगे? जब तक हम लोग का कुछ सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे और कुछ सुनवाई नहीं होता तब तक हम लोग धरना देंगे, यही रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद पे लोग आए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ और लोगों से कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। जैसा कि आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है तो आगे भी आप लोग ऐसे ही धरना देते रहेंगे? जी हाँ, हम लोग तो लगातार तकरीबन 125 दिन से धरना देते आए हैं और डेली कोई ना कोई जिला का, कोई ना कोई ब्लॉक का हम लोग धरना देते आए हैं और हम लोग का जो मांग है 5 सूत्री मांग, हम लोग उस पर खड़े हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं, वर्तमान सरकार से। पिछले सरकार तो हम लोग को कुछ किया नहीं गया लेकिन इस सरकार जो है वर्तमान में है, उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को 5 सूत्री मांग जो है वो हम लोग को पूरा करे और इसी आश्रय से हम लोग लगातार ऐसे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश आगे तक मैंने बनी रहेगी कि हम लोग प्रदर्शन करते रहें जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो जाए तब तक। जी, तो ये आपकी 5 सूत्री मांगों में से मतलब ये 5 सूत्री में कौन कौन सी मांगे? हम लोग का मांग है कि पहले वेतन मान करना है जी, परमानेंट करना है जी। हम लोग को 5 सूत्री जो मांग है, पहला सरकार से वार्ता हो हम लोग को, दूसरा वेतन मान हो, तीसरा हम लोग के पंचायत स्वयं सेवक से नाम बदल कर पंचायत सहायक रखा जाए और चौथा हम लोग को सरकार के जो अस्थाई के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं अस्थाई किया जाए। ये अब हम लोग वर्तमान सरकार को अपेक्षा करके हम लोग इनको वोट दिया था, वोट देने के बाद सरकार हम लोग को अभी 2 साल से ठग रही है। तो अब लगातार हम लोग 175 दिन से लमसम धरना पर आ रहे हैं, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि अब आज सरकार वार्ता करेगी, आज कल करेगी, ऐसा सरकार को अभी तक हम लोग को बढ़िया मैसेज आज तक नहीं मिला है। लेकिन आज अंतिम सत्र के दौरान हम लोग आपका न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि अभी आपके पास समय, हम लोग के लिए कुछ सोच लीजिए, नहीं तो आपका समय जो है चरमराती हुई दिख रही है पूरे झारखंड में। स्वयं सेवक कहीं ना आपके पक्ष से फिर हटा तो फिर आपको भी सत्ता से हटाने का काम करेगी। अगर अभी हम लोग को बात सरकार मान लेती है तो फिर वर्तमान सरकार को हम लोग पूरे प्रदेश झारखंड से जितना आए हैं स्वयं सेवक सभी मिलजुल कर फिर सरकार को हम लोग पुनः उसी सत्ता में कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। जैसे कि अभी बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल जी भी यहाँ पे मौजूद थे तो उनसे आप लोगों को क्या आश्वासन? बीजेपी का विधायक जितने लोग अभी आ रहे हैं हम लोग को आज उन लोग एक संतावना दे रहे हैं, हम लोग को बीजेपी लाया था और हम लोग को जब काम दिया तो हम लोग अपनी निष्ठापूर्वक काम किए, उनका कार्यकाल जब तक रहा तब तक हम लोग को अस्थायी नहीं किया लेकिन एक ठो हम लोग को एक एज करो क्रॉस करा के ला के खड़ा कर दिया उस मोड़ पर जहाँ से हम अपने बाल बच्चा को, अपने भविष्य को खतरे में डाल दिए। अगर उन लोग भी आ रहे हैं तो हम लोग को साथ अगर खड़ा है और हम लोग को सहयोग कर रहे हैं तो सिर्फ बोलने और आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को जो मांग है उस पर इनका ध्यान आकर्षित हो और इसको लागू किया जाए। विधानसभा सत्र के अभी अंतिम दिन है, अगर आज नहीं हुआ तो फिर हम लोग को लंबी धारणा चलेगा, अंतिम अभी नहीं होगा।
लगातार धरना करते रहेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने सुना, सरकार से वार्ता नहीं हो पा रही है पंचायत स्वयं सेवक वाले लोगों की, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ आइए हम बात करते हैं और भी लोगों से कि इनका क्या कहना है। आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? उरमान जी प्रखंड रांची। तो आप लोग रात में भी यहीं पर रुकती हैं? हाँ, हम रात में भी यहीं पर रुकते हैं। रात में भी रुकते हैं। तो जैसे कि अभी ठंड का टाइम है, खुला आसमान है, तो आप लोगों को दिक्कत भी काफ़ी, अपनी समस्या बता सकती हैं? बहुत दिक्कत हो रही है, पर क्या करें, मजबूर हैं। अगर सरकार हम लोग की मांग को पूरी कर दे तो बेटर रहेगा, हम लोग की ये समस्या भी दूर हो जाएगी। आ रही है, मतलब इतना कर रहे हैं तो आसान लगेगा कि चलिए कम से कम इतना सा झेले तो कुछ तो कर रही है। काम करते हुए पैसा सरकार नहीं दे रही है तो बहुत दुख लगता है। आप लोग जैसे कि अभी आज तो अंतिम दिन है सत्र का, तो इसके आगे भी आप लोग, मतलब सरकार से वार्ता नहीं हुई है, तो इसके आगे भी आप लोग ऐसे ही आंदोलनरत रहे? हाँ, और उग्र आंदोलन होगा। पानी हो रहा है, घर से हम लोग भी बात सुन रहे हैं कि कुछ सरकार पहल भी नहीं कर रहा है, तुम लोग वहाँ से पर रुक रही है, दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग छोटे छोटे, उन लोग को छोड़ के हम लोग को आना पड़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए? रामगढ़ जिला से हैं और मांडू प्रखंड से हम लोग। और कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे ठंड भी काफ़ी पड़ रही है? ठंड भी पड़ काफ़ी हो गया, तो ठंड में हम लोग तो रुक ही रहे हैं हर तरह से, तो घर से तो सुन ही रहे हैं, यहाँ पर भी रुकने में दिक्कत हो रहा है ठंड में। कड़कड़ाती हुई ठंड में लोग यहाँ पे रुक रहे हैं और इनको रात में भी यहाँ पे रुकना पड़ रहा है इस आंदोलन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ये अपने छोटे से मासूम से बच्चे को भी लेकर बैठी हुई हैं, और आइए हम बात करते हैं इनसे। आप इतने ठंड में बच्चे को लेकर मतलब यहाँ पे रुक रही हैं? तो जैसा कि आपने सुना ये नहीं बोलेंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे को अपने साथ रखना काफ़ी मुश्किल का काम है, और ये लगातार 5 दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और अपने साथ अपने बच्चों को भी रख रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पे महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी लेकर अपने साथ इस आंदोलन में मौजूद हैं 5 दिनों से, और ऐसे ही ये आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। और अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को सुनती है या ऐसे पंचायत सचिवालय वाले लोग ऐसे ही आंदोलनरत रहते हैं। और ऐसे ही आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ विंग टीवी के साथ। मैं मुस्कान।